चमोली के 28 वर्षीय विपिन रावत की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चलें कि मामला 23 नवंबर का है। विपिन रावत के साथ कुछ युवकों द्वारा राजधानी देहरादून में मारपीट की गई थी, जिसके बाद विपिन रावत को इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। आज इलाज के दौरान विपिन की मौत हो गई है। तो वहीं विपिन रावत की इंद्रेश हॉस्पिटल में मौत के बाद परिजनों और कांग्रेसी नेताओं ने विधायक बद्रीनाथ के साथ हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है और अगले दिन ही जमानत मिल गई। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लगातार हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। वहीं उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को भी हटाने की मांग की है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पहले विपिन रावत के ऊपर आक्रमण होता है, कुछ अनजान लोग आगे बेसबॉल के बैट से उसकी पिटाई करते हैं, रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे आरोप वो लगा दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत हल्की धाराएं लगाई गई। और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनन फानन में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते हैं कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है।